हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टैंडर्ड थर्ड में सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में सेकंड लेसन पढ़ेंगे, उसका नाम क्या है? द MAGIC मैजिक गार्डन। मैजिक गार्डन है, गार्डन देखे होंगे तुम लोग, है ना? द मैजिक गार्डन वॉज इन ए स्कूल प्ले ग्राउंड। मैजिक गार्डन किधर था? स्कूल का प्ले ग्राउंड में था। स्कूल में भी गार्डन सब रखा रहता है। इट वॉज वेरी PRETTY, प्रेटी, मतलब बहुत सुंदर था। सनफ्लावर्स एंड रोसेस स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल। सनफ्लावर और रोज का झाड़े, वो उसका दीवार के ऊंचा तक लंबा हुआ था। देर वर ऑल्सो मैरीगोल्ड्स, पोपीज एंड पैंसीज। कौन सा और भी फूल का झाड़ था? मैरीगोल्ड, पोपीज एंड पैंसी। द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन ऑन एनी अदर एंड द फ्लावर्स डांस्ड एंड सैंग हैप्पीली। कैसे सुबह होएगा, सूरज का पूरा वो उजाला वो लोग के ऊपर आएगा, वो लोग अच्छे से मतलब उगने लगते हैं और बहुत खुशी रहते हैं। दे शेड टू वन अनदर वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल GARDENERS गार्डनर्स। गार्डनर्स किसको बोलते हैं? अपना गार्डन रहता है उसका देखभाल करते हैं उसको बोलते हैं। वो फूल लोग क्या बोलती है? अपने पास तो हंड्रेड्स ऑफ मतलब 100 के ऊपर गार्डनर्स है, हंड्रेड्स के ऊपर। देवर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल, वो लोग किसको गार्डनर बोलते हैं? वो स्कूल में पढ़ते हैं वो बच्चे लोग को। वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वेयर टॉकिंग टू द बर्ड्स। एक दिन है सुबह का, सनी मॉर्निंग बोलेगा तो कैसे, समर सीजन रहता है, सुबह सुबह धूप अच्छे से आ जाता है, वो दिन का सुबह था। फ्लावर्स क्या बोलती है, किससे बात करती है? बर्ड्स लोग से। आई लव ऑल द चिल्ड्रन, सब बच्चे को हम लोग मैं पसंद करती हूँ। बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल, के डियर लिटिल वन बोलेगा तो छोटा बच्चे लोग को। सेट ए पोपी, कौन बोला? पोपी फ्लावर ने बोला। आई लाइक देम टू ब्रिंग दियर वाटरिंग कैंस एंड वाटर माई TIGHERST थर्स्टी रूट्स। क्या बोल रहे हैं, क्यों मुझे पसंद है? वो बच्चे लोग वाटर कैन लेके आते हैं मेरा थर्स्टी रूट में, उसका पेड़ पे वो लोग पानी देते हैं ना, जड़ पे, उसका जड़ पे उसको बता रहा है, इसीलिए मुझे वो छोटे बच्चे लोग बहुत पसंद है करके। देखो ये पिक्चर तुम लोग को दिखाई दे रहा है ना, देखो बच्चे सब कितना खुशी से उधर देख रहे, कितना सारा फूल इधर उगा है, इसके बारे में इधर पढ़ रहे हैं अपन। सेड द मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड भी बोल रहा है एस द बॉयज आर गुड टू अस टू, बोल रहे हैं बॉय लोग, लड़के लोग भी अपने लिए अच्छा है। दे DIG मतलब खोदना द ग्राउंड सो वेल, वो बच्चे लोग क्या करते हैं, ग्राउंड को मट्टी को अच्छे से खोद के डालते हैं, उसी में दूसरा कुछ झाड़ लगा सकते हैं, वो सब करते हैं ना, इसीलिए लड़के लोग भी वो लोग को पसंद है। अभी सेकंड पेज में वी लव द चिल्ड्रन, लिटिल चिल्ड्रन छोटे बच्चे लोग को हम लोग पसंद करते हैं। सेट ये टाइनी बैड, कौन बोला? ये छोटा बैड है ना, वो बैड बोल रही है। दे आर काइंड एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस, वो बच्चे लोग देखो इधर दिया है पिक्चर में, किसको? वो बैड्स को ब्रेड दे रहे हैं खाने के लिए। ऑल द फ्लावर सेड वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक आवर ड्रेसेस वेरी प्रेटी फॉर द चिल्ड्रन विल बी हियर सून, मतलब वो लोग बोल रहे हैं हम साथ में मिलके काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारा कपड़े को सुंदर दिखाने के लिए। कपड़ा मतलब वो लोग का फूल, कैसे वो फूल पूरा ऐसा उगा रहता है, वो कैसे लग रहा है, एक ऐसा डिजाइन वाला कपड़ा डाला है ऐसा लग रहा है ना, वही वो लोग बोल रहे मेक आवर ड्रेसेस वेरी प्रेटी फॉर द चिल्ड्रन विल बी हियर सून, वो लोग यहाँ जल्दी से आ सकते हैं, वो लोग देख सकते हैं। द सन सेड आई विल हेल्प यू ऑल्सो, सन बोल रहा है मैं भी तुम लोग को मदद करता हूँ। फॉर नथिंग प्लीजस मी बेटर देन टू सी द चिल्ड्रन रनिंग अबाउट
इन द गोल्डन सनशाइन। गोल्डन सनशाइन बोलेंगे तो सुबह का टाइम वो सूरज का वो रोशनी आती है, वो कैसे थोड़ा फूल के ऊपर आता है तो चमकने वाला शाइनिंग आता है, गोल्डन सनशाइन। उसी पे फूल देखने में और सुंदर दिखता है। सडनली द चिल्ड्रन केम आउट, LUGHING, लाफिंग एंड सिंगिंग। लाफिंग मतलब बहुत जोर जोर से हंसते हैं, सिंगिंग मतलब गाना गाते हैं। एंड द फ्लावर स्टॉप्ड दियर सॉन्ग्स टू लिसन टू देम। कैसे वो फ्लावर्स लोग अपने में बात कर रहे थे, वो लोग वो चुप हो के ये बच्चे लोग को, बच्चे लोग क्या बोल रहे हैं उसको सुन रहे हैं। लिसन मतलब सुनना। वो लुक एट द टॉल सनफ्लावर, देखो वो सनफ्लावर कितनी लंबी है। सेट वन चाइल्ड एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली। उसके बारे में बोला है तो उसको ऐसा एक गर्व महसूस हो रहा था सनफ्लावर को। अनदर चाइल्ड सेड आई लव द मैरी गोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस। क्या बोल रहे हैं, मुझे मैरी गोल्ड का झाड़ बहुत पसंद आ रहा है। क्यों, उसका गोल्डन ड्रेस कैसे, मैरी गोल्ड है उसी में बहुत सारा फूल लगा रहता है, वो बहुत सुंदर दिखती है। द मैरी गोल्ड स्माइल्ड हैप्पीली। ये बात सुन के मैरी गोल्ड का भी बहुत खुश हो रहा है, वो भी बहुत खुशी से हंसने लगा। हाँ, ये पेज में देखो, इट वॉज इंडीड ए मैजिक गार्डन। ये देखो मैजिक गार्डन का पिक्चर दिया है, बिकॉज इट हैड फेरीज टू। यहाँ परी लोग भी रहते हैं। दे डांस्ड एंड सैंग स्वीट सॉन्ग्स विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर। वो लोग गाना गाते हैं, अच्छा अच्छा गाना, लेकिन वो सिर्फ बच्चे लोग सुन सकते हैं। आफ्टर ए टाइम द फेरीज केम आउट डांसिंग एंड टॉक्ड विद द चिल्ड्रन। वो लोग बाहर निकल के आके बच्चे लोग के साथ डांस भी करते हैं, नाचते भी हैं, बात भी करते हैं। दियर ड्रेसेस वेयर मेड ऑफ फ्लावर्स एंड दियर विंग्स ऑफ सनशाइन। वो लोग का कपड़ा देखो फ्लावर से बनाया हुआ, और सूरज का उजाला में वो लोग एकदम गोल्डन साइन भी मारते हैं। द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट। रात को वो मैजिक गार्डन एकदम शांति से रहता है। क्यों, वहाँ कोई बच्चे लोग जाते ही नहीं है रात को समय पे। द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वेर असलीप एंड ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे वेन द चिल्ड्रन वुड कम अगेन। वो फ्लावर्स और बर्ड्स भी जाके सोने जाते हैं, और वो लोग उसी में सपना सोचते हैं कल ये बच्चे आएंगे तो वो कितना अच्छा लगेगा अपने को। ऐसा है, ये लेसन है द फेरी गार्डन, एक बुक है उसी में से निकाला है। उसको लिखा है कौन, मार्गरेट हैच बोल्टन।